दोस्तों फाइनली अभी आप देख सकते हैं हम यहाँ पे हैवी जो है कंजेस्टेड रोड में जो अपनी गाड़ी को जो ड्राइव कर रहे हैं। ऐसे में कई लोगों को यहाँ पे कई बार डाउट भी आते हैं कि भाई जो कंजेस्टेड जब रोड होती है गाड़ी को जब आप ड्राइव करते हैं तो इन सिचुएशंस में क्या स्टेप्स को फॉलो करने चाहिए और क्या क्या टास्क रहता है आपके लिए जब आप जो है गाड़ी को ड्राइव करते हैं ऐसी रोडों पे। तो आज की इस वीडियो के थ्रू हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोज अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए, उनको फॉलो कर लीजिएगा। सो दोस्तों जब भी आप ऐसे नैरो रोड में गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली होकर जो है ड्राइव करना होता है गाड़ी को, और कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होती है जब गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होता है तो, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में सबसे ऑलमोस्ट सबसे पहले तो आपका यहाँ पे जो कह सकते हैं कि यहाँ पे जितना कॉन्फिडेंस है वो सबसे मेन होता है, ठीक है। अगर आप ऐसी रोडों पे भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा भी यहाँ पे डाउन करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है आने वाले समय में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपको अपने पे हमेशा गाड़ी को ड्राइव करते हुए अपने पे हमेशा ये चीज़ को लेकर चलना है कि हाँ जो आपकी गाड़ी का जो आपका साइज़ है वो आप कितने तक मतलब मैटर कर समझ सकते हैं कि आप कितने तक गाड़ी को जो यहाँ पे निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। और सेकेंडरी चीज़ें जब भी आप गाड़ी को ड्राइव करें तो रोड पे आपको होता है सिंबल्स मिलते हैं तो उनको जरूर से फॉलो करें, और ट्रैफिक है तो अपनी गाड़ी को आप इस तरीके से दबा के रखें कि कोई आपकी गाड़ी के आगे कट ना ले, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या ना ये छोटी गाड़ियां जो आती है ना जैसे कि बाइक वगैरह आती हैं या फिर कोई ऐसी गाड़ियां आती हैं और आपको पता है शहरों में तो आपको ये दिक्कतें होती होंगी जो ई रिक्शा वगैरह रहता है ये सब जो है कोई भी आपके गाड़ी के आगे इंस्टेंट जो है ड्रॉप आउट हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको हमेशा याद रखना कि अपनी गाड़ी को जो आपके आगे की गाड़ी है उससे थोड़ा यहाँ पे डिस्टेंस मतलब ज़्यादा नहीं थोड़ा सा डिस्टेंस ही रख के आपको जो है गाड़ी को लेके चलना है, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या कि अचानक से कोई गाड़ी आती है और अचानक से वो लोग आगे लगा देते तो आप उस कंडीशन में अपनी गाड़ी को बैक भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं यहाँ पे हैवी ट्रैफिक होता है या फिर कह सकते हैं कंजेस्टेड रोड होती है तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली लेके चलना होता है। यहीं पे आपका टास्क समझ में आता है कि आप अपनी गाड़ी को किस तरीके से जो ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। और कभी भी इंस्टेंट अपनी गाड़ी को आपको राइट या लेफ्ट मूव नहीं करना है बिकॉज आपको पता है कि ये कोई बाइक तो है नहीं कि आप किधर से भी जो है कट ले लें, बिकॉज हो सकता है कि मे बी आपके पीछे कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर फ्रंट साइड तो आपको दिख ही रहा है, राइट साइड में हो सकता है, लेफ्ट साइड में हो सकता है, किसी भी साइड में हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों को जो है जरूर से फॉलो कर लेना। अगर आपकी गाड़ियाँ आजकल की आपको पता है काफ़ी ज़्यादा एडवांस गाड़ियाँ आ रही है, ठीक है, कई सारे फीचर्स डेफिनेटली मिलते हैं, बट आपको हमेशा जब भी आप गाड़ी को ड्राइव करें तो सारी चीज़ को लेके जो है ड्राइव करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है भाई, सारी चीज़ मैं आपको जो है लगभग डिस्कस करता रहता हूँ तो आपको लगभग यहाँ पे हम इस वीडियो के थ्रू जो है सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं, ठीक है। और वीडियो को आप जरूर से शेयर कीजिएगा और कहीं ना कहीं आपको इस पर ड्राइविंग टिप्स से रिलेटेड कंटेंट जो है मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी जैसे बहुत लोग होते हैं कि बहुत लोग ये भी क्वेश्चन कमेंट कर देते हैं कि हाँ भाई गाड़ी चलाते हुए आप जब चल रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ी का कितना मतलब बैकअप लेके चलना है। देखिए एक्चुअली में होता है क्या ना अपनी गाड़ी को आपको बैकअप भी लेके चलना है, जैसे ट्रैफिक में आपको ज़्यादा मतलब सामने वाली गाड़ी के आपको ज़्यादा जस्ट पास में नहीं लाना, बिकॉज हो सकता है किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो गाड़ी बैक आती है तो आपके फ्रंट साइड में जो इंजन है उसमें हो सकता है डैमेज कर जाए। तो इन सिचुएशंस को आपको अवॉइड नहीं करना है, मतलब इसमें आपको अलर्ट होकर चलना है, मतलब आपको ये चीज़ लेके चलना है कि हाँ आपका डिस्टेंस सामने वाली गाड़ी से कितना दूर पे मेजर कर रहा है, ठीक है। इन चीज़ों को जो है फॉलो करना है तो ही जो है आप एक अच्छा ड्राइवर कंसिडर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो कि मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी चीज़ें थी वो डिस्कस की, और आप भी कमेंट बताइएगा आपको किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं हैवी कह सकते हैं कि ट्रैफिक में या फिर नैरो रोड में, ठीक है। तो होपली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच।